प्रडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी हालत में आप नीचे से ऐसी जादू की छड़ी नहीं लगा सकते कुछ भी कि वो रुक जाए जोशीमठ आपदा के बाद जिस तरह राज्य के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों के घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं जमीन के धंसने की और भूस्खलन की जगह जगह से लोग शिकायतें कर रहे हैं वो हमें एक मौका दे रहा है ये जानने का कि इतने बड़े हादसे को इतनी बड़ी आपदा को आगे कैसे रोका जाए और आगे इससे क्या सबक लिए जाएं दो जियोलॉजिस्ट जो हैं हिंदुस्तान के डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर एस पी सती हमारे साथ हैं और इनका डॉक्टर जुयाल के बारे में तो बताने की भी जरूरत नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटीज़ में रहे हैं और उन्होंने कई अध्ययन किए हैं उन्नीस के दशक में जब आ रहा था एक प्राइवेट कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तब इन्होंने जाके उस इलाके में रिसर्च की थी और पेपर पब्लिश हुआ था डॉक्टर एस पी सती जो हैं पिछले साल को ऑथर थे साथ में उस पेपर के जो 2021 की आपदा के बाद अध्ययन किया था आप दोनों ने डॉक्टर जयाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त हम क्या देख पा रहे हैं और क्या कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में है और आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं इसके इस वक्त जो देख रहे हैं उस इलाके को उस इलाके में कि जो जो क्षेत्र जो सब्साइड कर रहा है और क्रीप कर रहा है वो क्षेत्र हमारे जोशीमठ में मध्य मध्य भाग में है नॉर्थ फेसिंग स्लोप है वो सुनील से लेकर के नीचे मारवाड़ी तक जाता है ये स्लोप कोई प्राकृतिक नहीं है ये स्लोप प्राकृतिक है जो कि एक जोलॉजिकल डिप्रेशन की तरह से वहाँ पर मौजूद रहा होगा उस डिप्रेशन में अतीत में एक भूस्खलन आया जिसने उसको प्लग कर दिया अब इसी स्लोप के थ्रू जितनी भी पानी की जो न, 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 नालिया है नालियाँ हैं या जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स है वो इसी को फॉलो करते हुए नीचे अलगनंदा में मिलते हैं अब कालांतर में हो क्या गया कि इसी इलाके में बसाहत बसी काफ़ी लोग वहाँ बसे उन लोगों ने यहाँ पर निर्माण किया और निर्माण के कारण क्या हुआ कि उनके भी अपने पिट्स रहे होंगे उनके भी अपने निकासियाँ रही होंगी और जिस बात को मैं अभी आपको कह रहा हूँ ये बात कोई मैं नई नहीं, नहीं कह रहा हूँ इस बात को तो सब जानते हैं कि मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले कहा था कि ये बहुत मुख्य एक मुख्य कारण है इसके दसाव का लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो रहा है इस वक्त कि ये इतना एक्सेलेट क्यों किया लेकिन ये हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कि देर इज अ थिंग कॉल्ड टिपिंग पॉइंट नाउ द टिपिंग पॉइंट को ट्रिगर करने वाला मैकेनिज्म क्या था मकान तो उतना ही थे डिस्चार्ज मकानों से उतना ही चल ही रहा था लेकिन सडनली ये 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 एक्सलेशन क्यों हो गया तो ये ये हमको इस तरफ इंगित करवाता है कि कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो इस क्षेत्र की धारक क्षमता के काफी ज्यादा बड़ी होगी अब साब वो हो क्या सकता है अब लोग लोग तो चिल्ला रहे हैं इस बात को लेकर के एनटीपीसी की टनल जो है वो जोशीमठ के पीछे से जाती है और एनटीपीसी ने कहा है कि वो करीब लगभग एक किलोमीटर पीछे है और और एक किलोमीटर जमीन के नीचे है लेकिन हमको ये भी पता है कि उस पर्टिकुलर टनल के बनाने के टाइम में काफ़ी सेकेंडरी फ्रैक्चर्स क्रिएट हुए इसमें तीन बड़े तीन ब, तीन अच्छे पब्लिकेशन आए हैं आए हैं उसमें बताया गया है ना क्या उस टनल के अंदर का पानी बाहर आ रहा है अब प्रश्न ये उठता पानी कौन था कहाँ से वो पानी आया था तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं ये पानी शायद 2021 की त्रासदी के दरमियान मलबे और मलबे के साथ आया होगा और हो सकता है संभावना है हो सकता है कि वो पानी उन दरारों से रिश्ता हुआ बाहर निकला क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो लॉक था यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ इतना पानी का डिस्चार्ज सडनली आना और फिर कम हो जाना ये होता है जमीन के अंदर प्रोवाइडेड हमारे पास में अगर का इलाका हो चूना चूने का पहाड़ हो चूने के पहाड़ के अंदर कैविटीज बनती है जहां पानी स्टोर होता है और जब वो कैटी से पानी फटता है बाहर निकलता है किसी कारण से एक तो क्रिटिकल क्रिटिकल माने इस इलाके में अगर है तो जो सेंट्रल सेगमेंट जहां से सब्सिडेंस हो रहा है राइट फ्रॉम सुनील से लेकर नीचे मारवाड़ी तक हमको उस इलाके का जो 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 लोड क्रिएट हुआ है वो कितना एग्जर्ट कर रहा है उस इलाके में प्रेशर अगर वो अगर वो एक्सीड कर रहा है अगर मैं इनके नंबर को लेकर चलू तो हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हमको वहां से इन बसात को हटाना पड़ेगा और उस इलाके को हम कुछ नहीं कर सकते अगर मैं कहूं कि मैं मैं इंजीनियरिंग मेजर लगा दूं 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 वहां पे वॉल्स बना या बना या ड्रेनेज मुझे नहीं लगता वो उसको बना जरूर बनाइए बनाइए लेकिन तब जब वहां से बसात आप हटाएंगे जब तक बसात वहां से नहीं हटाते है, इलाका सेफ नहीं हो सकता यानी सर जब बसात हटाते हैं हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर सती की फिर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ऐसे तरीके चाहिए कि बसात भी जो हटाई जाए क्या वो उपलब्ध होगी तो इंजीनियरिंग के तो हैं बड़े बड़े मतलब पहले भी जो हाउसेज हैं जो कंस्ट्रक्शन हैं वो आपने डिसमेंटल किए हैं बहुत सेफली किए हैं तो आपके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ये बात सच है कि वहाँ बस बसने लायक वैसे भी नहीं रह गया तो उन मकानों को आपने हटाना ही पड़ेगा इससे क्या होगा लोड तो कम होगा एम सी का आपने भी जिक्र किया मैं रोकना चाहूंगा एमसीटी का क्या मतलब है और इस ये, इस क्षेत्र को कैसे डिफाइन uh, एक सेंट्रल थ्रस्ट हम कहते हैं मुख्य भ्रंश है ये जो हार हिमालय और लेसर हिमालय को आपस में अलग करता है ये वो क्षेत्र है जहां पे क्रस्टल डिफॉर्मेशन यानी कि जो जमीन की जो आकृति है वो डिफॉर्म हो रही है एट ए वेरी हाई रेट यहाँ पे जो रेट ऑफ आपलिफ्ट है वो लगभग दो मिलीमीटर mm पर ईयर के नाम से आका गया है तो इस इलाके में छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं सो एनी एक्सट्रीम इवेंट इन दिस एरिया इज गुड So, टू भी तरह से नहीं बनने चाहिए क्या जो इंटरनेशनल पेपर्स आ रहे हैं नेचर साइंस का जिक्र करते हुए वो क्या चेतावनी दे रहे हैं इन इलाकों में बड़े जैसे हम यहां पर चारधाम यात्रा मार्ग चल रहा है या बड़ी ब्लास्टिंग हो रही है सड़कों के लिए या बड़े बड़े, बड़े प्रोजेक्ट के लिए असल में दो दो हज़ार तेरह की आपदा के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चोपड़ा कम, आ, हाई पावर कमेटी बनी थी उसने भी ये बात बताई थी कि हायर हिमालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सुरक्षित नहीं है नहीं बनानी चाहिए उन्होंने वकालत करी थी ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए अभी बड़ी रिसर्चेज जा रही हैं नेचर जियो में दो में एक पेपर आया है जो माउंटेन हाई एशिया में इस तरह के इलाकों में एग्जैक्टली यही बात कहता है बिल्कुल प्रूवन तौर पर कि जो इवेक्एट हो गया है एरिया ग्लेशियर से क्योंकि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं वो लूज मटीरियल रॉक्स और उसका मटीरियल छोड़ जाते हैं जिसको हम मोरेंस कहते हैं वो वैलीज़ में लंबवत वैली की दिशा में लंबवत वो बैठे हुए हैं क्लाइमेट चेंज के इस माहौल में लगातार एक्सट्रीम इवेंट्स चरम मौसमी घटनाएं होने जा रही हैं उन घटनाओं की उनमें वृद्धि हो रही है ये बिल्कुल प्रबंध है उस उन घटनाओं में ये सारा मटेरियल नीचे को आता है और बड़े प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी वजह से निचले वाले इलाकों में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा दूसरी बात जोशीमठ ऑलरेडी नीचे को सब्साइड कर रहा है किसी बड़ी बारिश की घटना में और बड़ी स्थितियाँ आने वाली हैं और ये कोई जोशीमठ नहीं है जोशीमठ जैसी स्थितियों में अन्य जगह है वहाँ भी ये स्थितियाँ आने वाली हैं